कॉटन मार्केट खुला रहे या बंद रखा जाए, इस बात को लेकर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे और शहर के महापौर संदीप दोषी, इनके बीच कॉटन मार्केट खुला रखने के बीच बहुत ठन रही है, जिससे शहर के नागरिकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दर्शकों, इस समय में हम इनबीसीएन की टीम कॉटन मार्केट परिसर में, हम आपको बता दें कि मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्होंने यहाँ बोर्ड भी लगाया था, ये बता दिया था कि ये जो मार्केट है 29 तारीख से लेके अगला जब तक ऑर्डर आता नहीं तब तक ये बंद रहेगा और इसी प्रकार से मार्केट पूरी तरह से बंद है। ऐसे में नागपुर के जो प्रथम नागरिक है महापौर संदीप जोशी, अब इन्होंने ये बताया है कि ये जो मार्केट है बहुत जल्द शुरू होगा क्योंकि लोगों को सब्जियों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में लोग जो है, अगर यहाँ पे ये मार्केट खुलता है और अन्य जगहों पे जो मार्केट खुला है, एक जगहों पे पूरी भीड़ नहीं होगी, लोग जो है अलग अलग डिस्टेंसिंग का जो है पूरी तरह से अमल करेंगे, इसलिए ये मार्केट भी खुलने की बात संदीप जोशी इन्होंने कही थी। मगर अफसोस, ना संदीप जोशी के बातों के ऊपर में ना तवज्जो दिया तुकाराम मुंडे ने, तुकाराम मुंडे अभी भी अपने अड़ैयल रवैये पे है और उन्होंने भी कॉटन मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा है। ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ नागपुर के जो लोग हैं जो यहाँ सब्जी लेने के लिए आ रहे, अब वे दुविधा में है, मार्केट कब खुलेगा, सब्जी मिलेगी भी या नहीं, इसका इंतजार अब लोग भी कर रहे हैं। कॉटन मार्केट से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।